हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस चमोली ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है हमारी एनिवर्सरी, थर्ड एनिवर्सरी। तो मैंने पिंकू को बोला है कि आप रायपुर से सामान लो और मैं पेट्रोल पम्प से आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक बुके बना लेता हूँ, एक रोज़ का, तो उसको थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे। और अभी मैं चलता हूँ, बस थोड़ा सा बुके रेडी हो रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है आज स्पेशल। पूरे ब्लॉग में बने रहना, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है। और जो भी चैनल में नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज आपको एक बेहतरीन लोकेशन में लेके जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, तो वहीं पर पार्टी इंजॉय करेंगे दोनों को दोनों, और कोई है नहीं हमारे साथ। तो ब्लॉग में बने रहना। और तो दोस्तों, आज है हमारी शादी की थर्ड एनिवर्सरी और उसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाले एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन में, जो देहरादून में है। लेकिन हम लोकेशन का नाम आपको नहीं बताएंगे, आप कमेंट्स करोगे उसके बाद हम आपको बताएंगे। और ये हमने आज अपना बैग का बिल्कुल सेटअप करके आए हैं और हम एनिवर्सरी को आज बहुत ही डिफरेंट वे में सेलिब्रेट करने वाले हैं। आपको बहुत मजा आएगा, व्लॉग में पूरा बने रहिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे अपनी एनिवर्सरी का ये गिफ्ट मांग रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुंचा पाए। और आप ये पीछे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है। और ऑलरेडी हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं और अब हम करने वाले हैं ट्रैकिंग फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन। और ये हमारा आज बास्केट राइडिंग है, इसमें हमारा सब कुछ है। क्या क्या हमारी बास्केट में, हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। तो पकड़ते हैं अपने बैग को और बढ़ते हैं अपनी एनिवर्सरी को एक बहुत ही मजेदार से अंदाज में सेलिब्रेट करने के लिए। लुक एट माई हस्बैंड, हैंडसम, कितने हैंडसम लग रहे हैं। और ये शर्ट देखो, इन पे कितनी मस्त लग रही है। और इन्होंने बोला तू आराम से, मैं तो अपने ही हस्बैंड की करूंगी ना, बाकी जिससे जिसकी करनी है वो करेंगे। और ये देखिए, सामान तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। और आगे का व्यू जो दिख रहा है ना, अभी हम यहाँ से, इतना जबरदस्त लग रहा है। और आगे हम पहाड़ है, पहाड़ में और पेड़ भी है, वहाँ पे आराम से बैठेंगे, वहाँ पे इंजॉय करेंगे, बहुत जबरदस्त पार्टी होने वाली है। तो चलते हैं आगे की तरफ। और अभी पहले यहाँ का रास्ता, तो दोस्तों यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। हम अपनी लोकेशन में पहुँच चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से, व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। तो हमने सोचा कि इस बार इन पहाड़ की वादियों में हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, बहुत ही साइलेंट है, पीस है यहाँ पे, बहुत ही सुकून है। और देख सकते हैं आप, आराम से टेबल रेडी हो रही है, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एनिवर्सरी मना रहे हैं हम। हम लोग एक दूसरे से, दोनों से प्यार करते हैं, हमें ये तो है नहीं मैं इनको सेलिब्रेट, वो सरप्राइज करूं या ये मुझे सरप्राइज करे। हम दोनों अपने लिए खुद ही सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को सरप्राइज के लिए भरोसे नहीं रहते कि ये मुझे देंगे। हम दोनों अपना एंजॉय करेंगे सुकून से, क्योंकि हम दोनों करते हैं एक दूसरे से प्यार। देखो, हमें पार्टी करने के लिए किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम खुद से ही करते हैं। सारा पैक करके लाए हैं सामान, देख सकते हैं आप, केक वेक सब कुछ है। और पिंकू यहाँ पे डेकोरेट कर रही है। पिंकू को वैसे भी बहुत शौक है, जैसे मैंने आप सबको बताया है कि पिंकू को बहुत ज़्यादा शौक है ये सब चीज़ों का। तो और मुझे भी अच्छा लगता है जब पिंकू ये सब करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है और शांति है यार, एक मतलब इतना सुकून भरा प्लेस है यार। मैं तभी पिंकू को बोलता हूँ यार, पिंकू हम कितनी अच्छी जगह में रहते हैं कि हमारे आसपास इतना कुछ है देखने के लिए। ये पहाड़ लोग तरसते हैं, ये पहाड़ के लोग तरसते हैं यहाँ पे ऐसी जगहों के लिए। अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट है ये एक ना, तो यहाँ पे कोई है नहीं इस समय, तो हमने सोचा यहीं पे एंजॉय कर लेते हैं, हम यहीं पे पार्टी करते हैं और जब कोई आ जाएगा तो पूछ लेंगे उनसे। बाकी तो अच्छा ही है यहाँ पे। तो पिंकू बहुत कुछ लाई है, पिंकू देख रहे हो। और ये सब तो मैं लेके आया हूँ, रोज पेटल्स देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। वाह, पॉपर वगैरह सब कुछ है, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ज़बरदस्त इंजॉय होने वाला है। तो मैं ट्राईपॉड सेट करता हूँ और मैं भी पिंकू की थोड़ा हेल्प करता हूँ। और व्लॉग में बने रहना, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। ऐसी एनिवर्सरी आपने किसी की देखी नहीं होगी, ऐसे पहाड़ों में, ऐसी वादियों में। और कमेंट बॉक्स भर दो एनिवर्सरी विशेष से, एक से एक कमेंट आनी चाहिए आपके। देखो, और वीडियो को वायरल कर दो दोस्तों जल्दी से, कितने अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। अगले साल के सेलिब्रेशन वो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सीधा मॉलदीव्स में होना चाहिए। ओके, तो करता हूँ मैं कैमरा एंगल सेट करता हूँ सब कुछ और थोड़ा सा टेबल रेडी करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या जबरदस्त सेटअप बना हुआ है, ठीक है,
दोस्तों सेटअप पूरा रेडी है और कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है और टेबल भी रेडी है। और थैंक यू सो मच मुझे इतनी ब्यूटीफुल जगह में लाने के लिए। थैंक यू और मेरी तरफ से भी आपके लिए हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। अब केक कट करते हैं, लो हम बुके नीचे रख दो ना, हम इससे नहीं कहीं जा रही हूं, कहीं बात कर रहे हैं, हम इससे काटेंगे। ये क्या मेरे मर्डर करने के लिए नहीं ला रही थी नहीं, इससे करना नहीं ना, इससे। हैप्पी एनिवर्सरी, बस ऐसी मैं तुमसे हमेशा लड़ती रहूं और ऐसी मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करती रहूं। नहीं लगाना ही है, लगाना नहीं, ना ना लगाने का सीन। दोस्तों ढेर सारे कमेंट करो हैप्पी एनिवर्सरी के, हैप्पी एनिवर्सरी। और इतना सुकून मिल रहा है, ब्यूटीफुल साथ में ये वाइन। जो जो लोग वाइन समझ रहे, वाइन है नहीं है, ठीक है, ये क्रैनबेरी जूस है। चेस तो कर लिया करो पहले, क्लास ही बोर्ड। चलो चेस करते यार। अबे जूस में क्या हो रखा था, जूस था गरम, फ्रिज में नहीं था। आइस लेके आए साथ में, आइस डालिए। अरे ये तो कराई नहीं हमने, देखो हमारे साथ करेंगे ना, तो इसको फोड़ते हैं। कैसे फोड़ते हैं, फर्स्ट टाइम फोड़ने वाला हूँ मैं, क्योंकि ना हेलो के फोड़। वाओ कितना सही था ये बुके, कैसे लगा आपको? ये कम लिया तुमने, ये तो बात है। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल रोज फॉर मी जस्ट लाइक मी, ठीक है। और मैं तो तुम्हारे लेके नहीं आई, कोई बात नहीं दोस्तों। एक बात बताऊं, ये शर्ट मैंने करी है। हां ये बात तो है, अच्छी लगी, कितनी अच्छी लग रही, पसंद आई मेरे को। नहीं बहुत मस्त लग रही है, वैसे तुम हर कपड़ों में अच्छे लगते हो पर आज और भी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच यार, केक कितना टेस्टी हो रहा है ना। और कितनी जल्दी शादी को 3 साल हो गए, पता भी नहीं चला। सही में यार, लड़ झड़क के मतलब काट ही लिया हमने ना, लड़ झड़के घूम फिर के। और हमने आज जो प्यार करके है ना, आज हमने जो ये सेलिब्रेट किया है यहाँ पे, कितना सुकून है ना। नहीं यार सच में बहुत अच्छा लग रहा, और सही बताऊँ ऐसे प्लेस में मतलब एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल हमने कुछ सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं था कि हमारा ऐसी लोकेशन में करेंगे हम। और आगे देख सकता हूँ मैं, कितना पहाड़ है, नीचे नदी है, हालांकि नदी में पानी नहीं आ रहा है बट अच्छा लग रहा है ना बिंगू, बहुत अच्छा। और सुकून है यार, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और हमें तो आपको पता ही है पार्टी करने के लिए हमें ऐसी भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं होती है, हम दोनों खुद से। हमने सोचा रेस्टोरेंट में मार्केट वगैरह भी कहीं जाए, लेकिन वही म्यूजिक, ये हमें सुकून भरा पल चाहिए था और एक दूसरे के साथ टाइम बिताना था, इसलिए हम यहाँ पे आए और हमने इतने अच्छे से सेलिब्रेट करा। और इससे अच्छा क्या होगा, है ना, लोग डाइनिंग क्या कैंडल लाइट डिनर करते हैं, हम सनलाइट वो सा नहीं तो है, सनलाइट डिनर करते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ लाए हैं, पर मैं थोड़ा सा केक और टेस्ट करूंगा, बहुत टेस्टी है केक, लाओ नहीं तो। और भी हम पे काफी सारी चीजें हैं, हमें निकालते हैं धीरे धीरे। तो सही में मजा आ रहा है यार यहाँ पे, सुकून से बैठो, एंजॉय करो, केक कितना मस्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ठंडी नहीं थी, आइस डाल दी इसमें, तो आइस क्यूब लेके आए थे हम, तो पिंकू ने रायपुर से सारा सामान ले लेना। और लोकेशन तो हमने रात को थोड़ा सा डिसाइड करे थे कहाँ पे पार्टी करेंगे, कुछ करेंगे। पहले हमने सोचा कि किसी कैफे वगैरह में चलते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में पार्टी करेंगे, बट यार वो कॉमन हो गया, सब लोग कर रहे हैं, तो हमने सोचा ऐसी वादियों में करेंगे, पहाड़ों में आराम से बैठेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा है, ऊपर से धूप भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आराम से हम बैठ सकते हैं, काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर पिंकू 3 साल कैसे कैसे कटे, बहुत मजेदार, हमें परेशान करते करते लड़ते लड़ते लड़ाई क्या है, लड़ाई करेंगे नहीं हम। और सुन तो ले, तो 3 सालों में क्या लगा तेरे को, मतलब कैसी कट रही तेरी जिंदगी मेरे साथ? बहुत ही सुकून भरी, बहुत अच्छी। आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट जस्ट यू माय लव। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, हम तो एक दूसरे में मस्त रहते हैं। तो आपके लोगों के नजरिए से तो आपको लोगों की जरूरत नहीं है, पड़ना चाहिए। आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप थोड़े में भी खुश हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। या आपके बैंक अकाउंट भरे हो और आप दुखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास, तो क्या फायदा।
और हम दोनों लगती हैं कि हम दोनों एक जैसे हैं। हमारी बहुत चीजें, मतलब हमें घूमने का दोनों को शौक है, हमारी वाइब, हमें ये सब जो हमारे ये वो होता है ना, मतलब दोनों सेलिब्रेट का करने का तरीका, थिंकिंग भी एक जैसी है कि ऐसा सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा करेंगे। हाँ। तो अच्छा था, पिंकू के लिए तो सरप्राइज था। पिंकू को ये नहीं पता था कि मैंने पिंकू से बारह मार के ये बुके करवाया। छोटा सा बुके है बट क्योंकि यार वेस्ट थी मेरे पे, ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब हालांकि मैं बहुत बड़ा भी ले सकता पर ये चीजें वेस्ट होती है, इस वजह से मैं स्पेंड करता हूँ ऐसी जगह में, पैसों को ऐसी जगह में स्पेंड करता हूँ कि जहाँ पे वेस्ट ना हो चीजें। हाँ बोलो, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा मुझे भी बोलने दिया करो। ऐसे नहीं, तीन सालों में बोलने नहीं दिया आपने, आज भी नहीं बोलना, आज तो बोलने दो। नो, चलो बोलो। दोस्तों लाइफ में ना आपको बहुत चीजें मिल जाती है, पैसा भी मिल जाता है, सुकून भी मिल जाता है, आपकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। पर अगर आपके हस्बैंड के पास आपके लिए टाइम नहीं है ना, तो आप सारी चीजें वेस्ट है आपके। आपका हस्बैंड आपको कार्ड दे दे ले, 1 लाख की शॉपिंग कर ले, 50,000 की शॉपिंग कर ले, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ उस जगह में अवेलेबल नहीं है ना, उससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं लगेगा। और ये तो ऐसे है, मैंने जिस चीज में हाथ रख दिया वो मेरे लिए आती ही आती है। और हम दोनों के अंदर ही पेशेंस है, हम लोग एक अच्छे वक्त के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम व्लॉगिंग भी करते हैं। तो हमें व्लॉगिंग में दोस्तों आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे चैनल में अगर वीडियो देखने हैं तो जिस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप, ताकि हम भी मतलब व्लॉगिंग के थ्रू अपने कैरियर को आगे लेके जाएं। आजकल यूट्यूब हर कोई कर रहा है वैसे। सही तो में यार, हम बहुत मेहनत करते हैं व्लॉगिंग में, आपको पता है, हम तो फालतू का 2 साल हो चुके हैं हमको ब्लॉग करते करते। हम चाहें तो हम अपने घर में रोज कैमरा उठा के फालतू कंटेंट दिखा सकते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हर मतलब कुछ नया चीज दिखाए आपको, आपने वो चीज देखी ना हो कभी। तो हमें ऐसा लगा कि रेस्टोरेंट से अच्छा हम किसी ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ लोकेशन अच्छी हो, सब कुछ हो, और हम देख पा रहे हैं, मजा है यार, शांति है। आप भी हमारे प्यार को फील करें, आप भी सोचे कि यार सुकून भरा पल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि रेस्टोरेंट में जाके वो म्यूजिक शांति है, मतलब हालांकि हम अपने खाने पीने का व्लॉग में भी ना, व्लॉग में भी बहुत ज्यादा आवाज आती है पीछे से, तो हमने सोचा यार ऐसी जगह हम जाते हैं कि यार अच्छे से बन जाए और आपको भी अच्छा लगे व्लॉग हमारा, और कॉमेंट जरूर करना यार, बहुत मेहनत करते हैं। सही में हम लोग, मतलब अगर हम कभी भी व्लॉग जब भी बनाते हैं तो हम सोचते आपको हमारे व्लॉग जैसे भी लगते हैं। देखो यार ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप अच्छे, आपको अगर बुरे भी लगते हैं ना, हाँ। और क्या इम्प्रोवाइज चाहिए आपको हमारे व्लॉग में, क्या कुछ नया देखना है उसके बारे में भी बताना आप, ठीक है। हमें सिर्फ आपको प्यार चाहिए, अच्छा कॉन्टेंट दे आपको, आपका प्यार चाहिए हमें। और अब हम अपने मी टाइम को एंजॉय करते हैं। सही में यार, पता है क्या है, यही छोटी छोटी चीजें होती है जो लाइफ में ना, आप बोलते हो कि छोटी खुशियां भी बहुत मैटर करती है। आप जरूरी कुछ बहुत बड़ा फंक्शन करो, देखो कर सकते, आज हमारा ये डे, हमारा एक अच्छा सा खूबसूरत दिन था, तो बहुत कुछ कर सकते थे, बट हमने सोचा अपना शांत होके अपनी, मतलब दोनों पर वो भी रियलिटी है, स्पेंड करेंगे आप, वो भी है, वो भी कर सकते हैं आपकी बड़ी पार्टी एंजॉय करो ये, पर वहाँ पे बट यार ये मुझे तो सबसे अच्छा, क्योंकि मेरे को पिंकू को पता है कि मेरे को ज्यादा हल्ला गुल्ला ये सब पसंद नहीं है, मेरे को चाहिए शांति वाला प्लेस चाहिए मेरे को, तो उसमें ही अच्छा लगता है। और पिंकू भी एग्री हो जाती है चीजों से, और पिंकू, और हालांकि आपको पता ही कि हम बहुत जगह जाते भी रहते हैं इतनी जगह एंजॉय करने के लिए, तो हमने सोचा आराम से सुकून से बैठेंगे, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बैठ रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी इतना सारा केक तो हम खा नहीं पाएंगे, तो ये किसी को दे देंगे, है ना, घर लेके जाएंगे, और हम अपना मी टाइम एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं, इस नज़ारे के लिए हम यहाँ पे आए थे, इस सुकून के लिए, और इतना अच्छा फील हो रहा है। आप देख सकते हैं हमने कितने प्यार से यहाँ पे अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। और ये मेरा आज का लुक था, सिंपल सा, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मैंने सोचा फुल बाजू का पहना जाए। और जो यहाँ पे सुकून मिल रहा है ना, आई कांट एक्सप्लेन यू। अगर आप भी अपनी एनिवर्सरी को इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहोगे ना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों ने तो बहुत इंजॉय करा, और ये सुकून भरे पल में अब हम यहाँ पे दोनों बैठ के अपना मी टाइम इंजॉय करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों सेलिब्रेट हमने कर लिया, अब थोड़ी सी भूख लगी है, खा लेते हैं। तो केक तो हमारा बच गया है, इसे घर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई है नहीं, वरना हम दे देते, पैक कर लेते हैं। पर ड्रिंक मजा आ गया यार, इसमें बड़ा लगा ना, क्योंकि मतलब इतना गर्म भी नहीं है पर मजा आ गया। और हमारी एनिवर्सरी
बेस्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है अभी तक का। सही में यार, इतना मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है। इस बारी की एनिवर्सरी सबसे अच्छी रही, बेस्ट, सबसे अच्छी है। इसको रख दो, सुकून है, हल्ला गुल्ला नहीं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी मैं खाने के लिए क्या क्या पैक करवा के लाई हूँ। मजेदार सब, बहुत सारी चीजें लेके आई, इसको पैक कर, क्योंकि मुझे यही था यार, वहाँ पे इतनी इजिली कुछ मिलता नहीं है, तो अपनी पसंद की चीजें हम पहले ही पैक करवा के लाए थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ अवेलेबल होगा नहीं इतने सारी से, क्योंकि ये थोड़ा सा गांव वाला इलाका है, हिल वाला इलाका है। ये है हॉट डॉग, इनको बहुत पसंद है, इसलिए कुछ इनकी पसंद का कुछ मेरी पसंद का है। साथ में है पनीर पेटीज, साथ में है केचप, उससे प्लेट भी ले लेना। हाँ प्लेट है, और हमारे पास खाने में देख लो अब कितनी सारी चीजें हैं, हॉट डॉग, सब कुछ नहीं रखा तो पनीर पेटीज एंड नूडल्स। नूडल्स मैंने इसलिए रखी, अगर इन सबसे इनको हॉट डॉग बहुत पसंद है, इसलिए बहुत पसंद है यार, और मुझे नूडल्स पसंद है भाई, इतना सब कुछ, इतना सब कुछ, मैं तो नूडल्स खाऊंगी, मैं तो हॉट डॉग खाऊंगा। चलो पहले नूडल ही टेस्ट करते हैं, हमने ये आसपास से लिए है, क्या जबरदस्त लग रही है। तो साथ में केचप भी, अगर केचप लेना है आपको तो एंजॉय करते हैं, मजा आ रहा है यार दोस्तों। अब आप बताओ यार, ये सुकून भरी पार्टी पसंद है आपको या हल्लो गुल्ले वाली है? पर वैसे मैंने तो डिसाइड, हर चीज का अपना वजह होता है वैसे ना, हमारा पता नहीं, हम शाम को पार्टी करने भी जा सकते हैं, देख लेंगे शाम को कहीं चल लेंगे, क्योंकि घर पे क्या ही करेंगे। नाइस, मस्त हो रही है, मस्त हो रही है ना। तो दोस्तों पेट पूजा तो हमारी हो चुकी है, सब कुछ खा लिया, इतना सारा बच गया है ये, इसको पैक कर लेंगे क्योंकि अभी सही है, वो ख़राब नहीं हुआ है। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, देखो व्यू है कैसा है, एक्चुअली में हम यहाँ पे बैठे क्यों हैं, ये देखो इस नज़ारे के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे, देख रहे हो, और सुकून है, बहुत सुकून है आराम से। और ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग हैं, दो तीन लोग, ऐसे भी नहीं बैठे हैं बिल्कुल कि कोई हो ना आसपास, ऐसा भी नहीं बैठना है, थोड़ा सेफ्टी भी रखनी चाहिए। और बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी रही, मज़ा आ गया। और रात का भी अभी कुछ नहीं पता कि पिंकू रात का, पिंकू रात का क्या सीन है, अगर कोई मूवी लगी होगी अच्छी तो मूवी देखेंगे, वरना कहीं जाएंगे डिनर करने, देख रहे हो। और हम अपना कूड़ा अपने साथ अपने घर में रखेंगे, हाँ सारा यहाँ पे गंदा ही नहीं करें, लेकिन वैसे हमने गंदा करा भी नहीं है, बस एक टेबल में ये है, ये क्लोथ तो हम इसमें दोबारा से हो जाएगा सब। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त एनिवर्सरी रही, बहुत ही पिंकू ने जो अरेंजमेंट करा बहुत जबरदस्त था, और इतना कुछ करने के बाद आपको पता है कि यार रेस्टोरेंट वगैरह हमने पहले भी इंजॉय करा है, तो हमने सोचा कुछ अलग लोकेशन में चलते हैं, बहुत जबरदस्त रहा। और थैंक यू सो मच पिंकू, पिंकू भी आ गई है, पिंकू कैसा रहा? बहुत अमेजिंग, आज तक का सबसे अच्छा सेलिब्रेशन, ठीक है, सही में, और काफी अच्छा लग रहा है। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज गाइज कॉमेंट जरूर करना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। पिंकू तो जो भी आपने अरेंज करा इतना सब कुछ, थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू, आप मुझे यहाँ तक लाए, ठीक है, मेरे साथ आए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज गाइज कॉमेंट जरूर करना, टिल दैट सब्सक्राइब चैनल, हैप्पी एनिवर्सरी।